गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर मिसेस मनप्रीत कौर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रामेटिकल टॉपिक दैट इज प्रेपोजिशंस. स्टूडेंट्स, यू हैव डन द प्रेपोजिशंस इन योर बेसिक क्लासेस, सो दिस इज जस्ट अ रिकैप्चुलेशन ऑफ द सेम. अ प्रेपोजिशन इफ वी से इज अ वर्ड, लेट मी सी इट्स फॉर्मेशन. प्री प्लस पोजीशन. प्री यानी कि पहले, पोजीशन यानी कि उसका जो प्लेस है, जो स्थान है. सो प्रेपोजिशन क्या है? वो वर्ड्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उसका रिलेशन बताते हैं कि उसका दूसरी चीज़ों से, दूसरे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशनशिप है. क्लियर इट इज़? जैसे कि आई गो टू स्कूल बाय बस. अभी इसमें टू इज़ ऑल्सो प्रेपोजिशन एंड बाय इज़ ऑल्सो प्रेपोजिशन. अब मैं कहाँ जाता हूँ? आई गो स्कूल, देर इज़ नो रिलेशनशिप. ओके, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ. बाय कैसे जाता हूँ? आई कांट से आई गो टू स्कूल बस. ठीक है, स्कूल के बाद बाय बस अगर है तो वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा मीनिंग उसका, यानी कि दैट इज़ कि बाय मैं बस से स्कूल जाता हूँ. सी द कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रपोजिशन, ओ डबल एफ और फ्रॉम. वी हैव सो मच कन्फ्यूजन अबाउट दीज टू वर्ड्स, दीज टू प्रपोजिशन. ऑफ का मीनिंग क्या होता है? ओ डबल एफ, सडन सेपरेशन, एकदम से जो सडनली एक्सीडेंटल सेपरेशन होती है. और फ्रॉम है प्लांट और प्लान्ड यू कैन से, और नेचुरल सेपरेशन. ठीक है, जैसे कि ही फेल फ्रॉम द हॉर्स वाइल राइडिंग, नॉट फ्रॉम. यहाँ पे क्या हो जाएगा जब हम एकदम से गिरते हैं? दैट इज ही फेल ऑफ द हॉर्स. फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, इट इज नॉट राइट. फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड. अगर ऑफ वुड लगाना है तो वो अप ऑफ हो जाता है. सी विद, नेक्स्ट पेयर देखो, विद एंड बाय. विद जो है इट इज़ यूज फॉर इंस्ट्रूमेंटल एप्लीकेशन, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एप्लीकेशन का क्या मीनिंग है? इस चीज़ के साथ, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जब हम कोई काम करते हैं. यू कैन सी, जैसे कि द वुड कटर कट्स अ ट्री विद एन एक्स. अब यहाँ पे गलती से ए लगा हुआ है, एन एक्स इट इज. ओके, किसी चीज़ के साथ वो वुड कटिंग करता है. लेकिन बाय यूज फॉर ट्रैफिक रिसोर्सेज और लिविंग पर्सन. यू कैन से जैसे कि द लेटर वॉज रिटन बाय राम. ठीक है, ही केम फ्रॉम लखनऊ बाय बस. क्लियर इट इज़? अब जब विद जो है बेटा, एक और जो है विद, ये भी इस चीज़ के लिए भी यूज़ होता है जब हम कभी किसी का साथ देते हैं, उसके साथ काम नहीं करते हैं. यहाँ पे मैंने विद की बात की है जब हम कोई काम करते हैं किसी चीज़ का यूज़ करके. लेकिन एक हम विद यूज़ करते हैं कि आई गो टू द टेम्पल, आई गो टू टेम्पल विद माई मदर. अब वो मैं अपनी मदर का साथ देती हूँ, मदर के साथ कुछ काम नहीं करती, उसका मतलब उस मदर को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करती हूँ. ठीक है, वहाँ पे विद का कोई और मीनिंग है बेटा. डोंट जस्ट कन्फ्यूज योर सेल्फ इन दीज टू मीनिंग्स ऑफ द ऑफ विद. ओके, देन देयर इज बाय. बाय इज ऑल्सो यूज इन सेंस ऑफ टिल फ्रॉम टाइम. जैसे कि टिल का क्या मीनिंग, हम बोलते ना इस टाइम तक. जस्ट सी द एग्जाम्पल, आई विल कम बैक बाय इवनिंग. जब मैं किसी को, मैंने टाइम देना है कि मैं इस समय तक आ जाऊँगा, तो आई कैन, वी कैन से आई विल कम बाय इवनिंग. वहाँ पे भी बाय यूज़ हो जाता है. और अगर किसी चीज़ के ज़रिए, थ्रू, जैसे हम यूज़ हुए हैं किसी ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज या किसी लिविंग पर्सन के लिए, तो बाय फिर यूज़ होना ही है. एक ऐसे भी होता है, वट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, है ना बेटा. बेटा बहुत सारी जो प्रेपोजिशंस हैं, बहुत सारी वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे हैं जिनका जो रूल्स हैं वी कांट एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, दे आर यूज्ड एज इट इज़, दे डोंट हैव एनी लॉजिक बिहाइंड देम, बिकॉज इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज. वी कांट एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म, सो वी हैव टू यूज़ एज इट इज़. सी द नेक्स्ट वन, बाय इज़ ऑल्सो यूज इन सेंस ऑफ बिसाइड फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. जैसे कि अ रिवर फ्लोज बाय माई
हाउस. अब एक मतलब कहने का मीनिंग क्या है, अगर दो चीज़ें लिविंग्स हैं या फिर दो चीज़ें नॉन लिविंग्स हैं उनमें भी हम यूज़ कर लेते हैं कि मेरी जो घर के पास ही जो साइड है जो यानी कि बिसाइड की जगह हम बाय यूज़ कर लेते हैं कि मेरे जो हाउस के साइड पे क्या एक रिवर बहती है, बाय द साइड रिवर फ्लोज बाय माई हाउस, ठीक है बिसाइड्स की जगह. लेकिन ये ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते करते हैं. वी कैन ऑल्सो से बिसाइड हियर, ठीक है. सी द वेरी नेक्स्ट वन, बिसाइड एंड बिसाइड्स. बेटा दीज आर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूजिंग टर्म्स. बिसाइड देखिए बाय द साइड ऑफ, किसी के बगल में किसी के साथ. कैसे मोहन इज सिटिंग बिसाइड हिज फादर. एक होता है बिसाइड्स, उसका मीनिंग क्या है के अलावा. आई लाइक टी बिसाइड्स कॉफ़ी. Besides me, my friend also like coffee. मेरे अलावा मेरे friend भी like करते हैं, ठीक है. के अलावा is besides और अकेला जो beside है that is by the side. Between and among, again ये भी बहुत confused बच्चे हो जाते हैं. Between हम तब use करते हैं when the they are used for two persons. जैसे कि You can say Mohan is sitting between Ramesh and Suresh. दो जनों के बीच में वो बैठा हो, दो जनों की बात हो रही है. Between Ramesh and Suresh. लेकिन अगर sometime between is used for more than two also. कैसे? In the sense of equal distribution or contribution. कैसे? Just see this, very important it is कि father distributed his property between his four sons. अब यहाँ पे क्या है, जब हम इक्वली कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली यू कैन से, तो हम क्या बोलते हैं द फादर जो है ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज फोर सन्स. नाउ सी देयर इज व्हेन दे हैव म्यूचुअल रिलेशनशिप. और कब बिटवीन यूज होता है, जब उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप हो. जैसे कि देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तब भी हम बिटवीन यूज कर लेते हैं. कि मतलब अब हम वो नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे अमंग. देखो अब दिस इज अंडरस्टूड बेटा कि पहले जो मैच है वो दो जनों के बीच होगा, फिर उनमें से जो जीतेगा फिर उसका मैच थर्ड जने से होगा, थर्ड वाले टीम से होगा, है ना. तो हम बिटवीन ही यूज़ करेंगे ना, एंड देर इज़ म्यूचुअल रिलेशनशिप. क्लियर इट इज. देन देर इज़ एन अलायंस बिटवीन द थ्री यूरोपियन नेशंस. फिर से वही बात है, अलायंस है, इक्वल उनका रिलेशनशिप. जब म्यूचुअल आपस में सहमति से जब रिलेशनशिप है तो हम बोल देते हैं अलायंस जो है, इन सबका गठजोड़ है, गठबंधन है यू कैन से, इन सभी बिटवीन दीज कंट्रीज यूरोपियन नेशंस, ठीक है. अमंग देखो बेटा, नाउ सी द अमंग. Used for more than two persons. A teacher is standing among his students. सभी students में teacher खड़ा हुआ है, ठीक है. Then both are, जो among उसके बाद क्या है, among and amongst. See the difference. ये भी हम amongst भी बहुत use करते हैं. Both are used for more than two. इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों जो among और amongst हैं वो किसके लिए use होते हैं, टू या टू से ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं, पर्सन्स या थिंग्स के लिए. देखिए अमंग यूज फॉर कॉन्सोनेंट साउंड्स. कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी होती हैं, बी डी एफ, ठीक है, जी एच. अमंग्स यूज फॉर वॉवल साउंड्स. सी अमंग्स देम, अमंग देम द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है. वहाँ पे अमंग द, अब अमंग के बाद क्या आ गया, चिल्ड्रन आ गया, द आ गया, टी है, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो अमंग यूज हो गया. लेकिन अगर बोलें द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज अमंगस्ट अस, अब अमंग के बाद क्या है, अस है, यू इज अ क्या है, एक वॉवल साउंड, अ है, अस, ठीक है. देन वी से अमंगस्ट. क्लियर इट इज. So now see make of and make from. Make of, when the form of you when the form of use material doesn't change. You see my table is made of fine wood. ठीक है भाई.
जब उसके मटेरियल की फॉर्म चेंज नहीं होती है, लेकिन मेक फ्रॉम जब उसकी फॉर्म ही चेंज हो जाती है. चीज़ अब देखो, अगर टेबल जो है अगर वो लकड़ी का बना है तो उसमें लकड़ी तो रहेगी ही, इसकी फॉर्म तो नहीं चेंज होती है. इज़ इट क्लियर? लेकिन मेक फ्रॉम क्या है कि जब हम एक चीज़ का यूज़ करके कोई और नई चीज़ बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि अब जो दूध है, दूध का यूज़ करके हम बोल देते हैं चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क. मिल्क से बनती है लेकिन दूध ही नहीं रहती है, वो दूध की फॉर्म चेंज हो जाती है, वो सॉर फॉर्म ऑफ दूध होती है. ठीक है, दैट इज़ चीज़. कर्ड इज़ मेड फ्रॉम अगेन मिल्क. अब कर्ड और दूध में कितना फ़र्क है, फॉर्म तो चेंज हो रही है. सो देन वी विल यूज़ फ्रॉम. क्लियर बेटा? देन सी फॉर ड्यूरिंग. अब इसमें भी कन्फ्यूजन होता है. बोथ शो पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन फॉर यूज टू शो द टाइम पीरियड. ही इज़ ऑन लीव फॉर अ मंथ. अब वो टाइम पीरियड कैसे बताया है कि वो इतने समय के लिए, फॉर टाइम की बात की है मैंने, इतने समय के लिए वो लीव पे है. लेकिन ड्यूरिंग क्या है बेटा? ड्यूरिंग है इस टाइम के दौरान, यू कैन से. ठीक है, जैसे कि शो समथिंग कॉन्टिन्यूइंग इन अ टाइम पीरियड. ही विल स्टे विद मी ड्यूरिंग जून. जून जब चल रहा होगा, जब जून का जो मंथ है वो चल रहा होगा, तब तो वो मेरे साथ रुकेगा. वी टेक आर लंच एंड प्ले गेम्स ड्यूरिंग रिसेस. रिसेस का जो टाइम है उसके दौरान हम क्या करते हैं? ठीक है बेटा, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड ड्यूरिंग. नाउ सी ऑफ ओ एफ और ओ डबल एफ. अब ओ एफ इट इज़ अ प्रपोजिशन ऑफ जॉइनिंग. ऑफ है जब कोई चीज़ किस चीज़ को बिलोंग करती है. लेकिन ओ डबल एफ, मैंने पहले भी आपसे ये बात की है, एक्सीडेंटल सेपरेशन होती है. एग्जाम्पल देखिए बेटा, अ मेम्बर ऑफ द फैमिली. ठीक है, एक फैमिली का मेम्बर, लेकिन ही जम्प्ड ऑफ द रूफ. ठीक है, रूफ से एक्सीडेंटली वो एकदम से वो सेपरेट, सडनली सेपरेट हो गया. दैट इज़ ही जम्प्ड ऑफ द रूफ. लेकिन जो ए मेंबर, ही आई एम अ मेंबर ऑफ दिस फैमिली, मैं इस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मैं ओ डबल एफ यूज़ नहीं करूँगा. ठीक है, नाउ सी थ्रू एंड अक्रॉस. थ्रू जो है, इट इज़ यूज इन सेंस ऑफ पास फ्रॉम. एक तरफ से एंटर करना और दूसरी तरफ से एग्जिट करना, उसको हम बोलते हैं थ्रू. वी वॉक्ड थ्रू अ गार्डन ऑफ रोज़ेस. यानी कि गार्डन ऑफ रोज था तो उसमें से एक हम एंटर किए, फिर हम निकले. ठीक है, थ्रू अ गार्डन ऑफ रोज़ेस. लेकिन थ्रू इज़ ऑल्सो यूज टू शो मीडियम. आई सेंट अ बुक थ्रू माई सर्वेंट. मीडियम, मैंने उसको ना एक बुक भेजी. किसके ज़रिए? ज़रिए, यू कैन से. किसके ज़रिए? थ्रू माई सर्वेंट, किसी लिविंग के ज़रिए. ठीक है, देन देयर इज अक्रॉस. अक्रॉस इज यूज इन सेंस ऑफ फ्रॉम वन एंड टू द अदर, फ्रॉम वन साइड टू द अदर. अब वहाँ थ्रू में क्या था, हम एंट्री भी करते हैं और एग्जिट कर जाते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक. अक्रॉस, अ ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर. जैसे कि जो रिवर के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक एक ब्रिज बना हुआ है. अगर हम थ्रू की बात करेंगे, उसका मीनिंग तो ये हो गया ना कि हम रिवर में से गए. ठीक है, लेकिन अक्रॉस जो ब्रिज है, एक एंड से लेकर वहाँ तक, दूसरे एंड तक बना हुआ है. ठीक है, देर आर वेरी फ्रेश ग्रीन ट्रीज अक्रॉस द रोड. बोलते हैं ना अक्रॉस द रोड, इसका भी क्या मीनिंग है कि रोड के एक एंड से लेकर दूसरे एंड, दोनों एंड्स पर, यू कैन से, क्या है, ग्रीन, फ्रेश ग्रीन ट्रीज है अक्रॉस द रोड. ठीक है बेटा, नाउ देयर इज ऑन एंड अक्रॉस इज ऑल्सो यूज इन सेंस ऑफ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ. देखो, माई ब्रदर लिव्स अक्रॉस द रिवर.
ठीक है, उस पार अक्रॉस द रिवर, यानी कि मैंने फिर से वो बात रिवर के इस साइड, यानी कि मैं हूँ, या रिवर के इस साइड नहीं, रिवर के उस साइड दूसरे एंड की ओर मेरा फ्रेंड रहता है. देन देयर इज ऑन एंड अपॉन. ऑन जो है इसके इसका मीनिंग क्या है, ये कोई चीज़ जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है. ऑन एक दूसरे के टच में हो. सी दिस वेरी दिस डायग्राम, किसी बॉक्स के ऊपर जो ये बॉल है, दिस इज़ ऑन. लेकिन अपॉन क्या है, इस जब कोई चीज़ हमारे ऊपर मोशन में हो, यू कैन से, ठीक है. सी दिस बॉक्स, अब ये हमारे सर के, हमारी जो बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर कुछ है, चल रहा है, कुछ भी है, इन मोशन, मोशन है, कोई फैन है, यू कैन से, या कुछ भी है, ओवर भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. ऑन की पहले देखते हैं एग्जांपल. द बुक इज़ ऑन द टेबल, टच में है टेबल और बुक. लेकिन अपॉन द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, एकदम से वो ऊपर से ही आई, यू कैन से, एकदम से वो ऊपर से ही से मोशन में आई, ऊपर से एकदम से आई ना, एकदम से मतलब उसने जंप किया, यू कैन से. नाउ सी ऑन टाइम इन टाइम. अच्छा, ये ऑन अपॉन की जगह एक ओवर भी होता है. ओवर इज़ ऑल्सो जब हम हमारी छत के ऊपर, सिर के ऊपर कुछ हमारे टच में ना हो. द फैन इज़ ओवर माई हेड, ओवर वहाँ पे भी यूज़ होता है, ठीक है बेटा. ऑन टाइम इन टाइम, समय पर. ऑन टाइम का क्या मीनिंग है, समय पर. एग्जाम्पल, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, जो एग्जामिनेशन समय पर स्टार्ट हो जाता है. इन टाइम, समय में. वी रीच द एग्जाम सेंटर इन टाइम, हम समय में, समय हुआ नहीं था अभी, समय के बीच में ही, तभी ही, पूरा टाइम नहीं हुआ था, हम वहाँ पे पहुँच गए, ठीक है. द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट हो गया था. लेकिन इन टाइम, हम अभी वो टाइम जो है, डेडलाइन वो नहीं ख़त्म हुई थी, उसी समय में हमने ये काम कर लिया. नाउ सी यूज ऑफ बियॉन्ड. बियॉन्ड इन द सेंस ऑफ आउट ऑफ, से परे, ठीक है. दिस इज़ बियॉन्ड मी, ये मतलब मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से तो परे है ये काम, यू कैन से. कैसे, द वर्क इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी, ये वाला जो वर्क है मेरी कैपेसिटी से परे है, यानी कि मेरे बस की बात नहीं है, बियॉन्ड. नेक्स्ट बियॉन्ड और कहाँ यूज़ होता है, इन द सेंस ऑफ एट द नेक्स्ट एंड फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, जैसे कि उस तरफ या उससे आगे. माई विलेज इज सिचुएटेड बियॉन्ड दिस हिल्स, फिर वही यहाँ पे यूज़ तो फिर से इससे परे है, लेकिन इस हिल्स, हिल्स देखो कितनी बड़ी होती होंगी, हिल, इन हिल्स को पार करके, ठीक है, उससे परे है मेरा हाउस. जब हम किसी चीज़ की लोकेशन बता रहे होते हैं तब यूज़ हो जाता है, ठीक है. नाउ सी दिस यूज ऑफ एट, फॉर अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है बेटा. जैसे कि ही विल कम एट 6 o'clock, एग्जैक्टली जब हम टाइम का हमें पता हो, आर स्कूल स्टार्ट्स एट 8 o'clock, एग्जैक्टली 8 o'clock पे स्टार्ट हो जाता है. फॉर स्मॉलर एरिया लाइक, सेकेंड देखो, और एट कहाँ पे यूज़ हो जाता है, जो स्मॉलर एरिया के लिए, विलेज और टाउन, जिसका जो ज़्यादा फेमस नहीं होता है, यू कैन से, जिस चीज़, जिस प्लेस को ज़्यादा कोई जानता नहीं है, और जो प्लेस मतलब इस नाम के प्लेस और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में या स्टेट्स में होते होंगे, तब हम एट यूज़ कर ले. जैसे कि ही लिव्स एट वसंत विहार इन दिल्ली. अब वो वसंत विहार जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी एरिया में हो सकता है, किसी छोटे से एरिया, किसी टाउन या किसी एरिया का नेम है, तो हमने एट लगा दिया. लेकिन इन किसके आगे लगाया है, इन दिल्ली. दिल्ली जो है, इट्स वेरी रिनाउंड प्लेस, यू ऑल नो अबाउट इट. वसंत विहार जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्टेट में हो सकता है, इट इज़ नॉट एन वेरी, नॉट अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस, ठीक है. सी द थर्ड, थर्ड यूज ऑफ एट रेफर्स टू स्टेशनरी पोस्ट. जैसे कि ही इज़ एट होम, स्टेशनरी अभी वो घर पे है. फोर्थ देखिए, बिफोर द नेम ऑफ कॉलोनी, वही बसंत विहार वाली बात है. वही लिव एट पश्चिम विहार इन दिल्ली, वही बात हो गई, ठीक है.
यूज विद डे ब्रेक नाउन एंड नाइट द साइट इज वेरी लवली एट नाइट. ठीक है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के लिए हम इन बोल देते हैं, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग, लेकिन नाइट के लिए हम आर्ट यूज करते हैं. ठीक है भाई, द लास्ट वन इज यूज ऑफ इन. बेटा ये सिंपल वाली, जो बिल्कुल सिंपल वाली प्रपोजिशन है, दे आर इन द लास्ट. ठीक है, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट देयर यूसेज. बिफोर द बिगर प्लेसेस, जैसे हम इन दिल्ली बात की थी, कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, सिटी, इनके लिए हम इन यूज़ करते हैं. वी लिव इन इंडिया. और इन कहाँ पे यूज़ होता है, किसी चीज़ में. वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम. ठीक है, नाउ देयर इज यूज़ ऑफ टू. यूज़ फॉर डेस्टिनेशन, ही इज़ गोइंग टू स्कूल. अब मैं यहाँ से मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ तक जाऊँगा मैं, स्कूल. ठीक है, टू स्कूल. देन देयर इज, और कहाँ पे टू का यूज़ होता है, जब हम किस चीज़ के नज़दीक है कि अर्थ में होता है, जैसे कि द गर्ल वेंट टू हर लवर, के नज़दीक जाना, यू कैन से ही केम टू मी, वो मेरे पास आया. देन थर्ड इज टाइम, समय बताने के लिए. इट इज़ 10 to 11. ये देखिए 10 to 11 का क्या मीनिंग है, 11 बजने में अभी 10 मिनट्स बाकी हैं. अगर हम बोल दें 11 बजने बज के 10 मिनट हो गए, वी से इट इज़ 10 past 11, यानी कि 11 बज के 10 मिनट हो गए हैं. लेकिन अभी 11 बजने में अगर 10 मिनट्स रहते, वी से इट इज़ 10 to 11. आई लिव देयर फ्रॉम मई टू नवम्बर, वही टाइम बताने के लिए, मई से लेकर नवम्बर तक मैं वहाँ पर रहा. अब देखिए और कहाँ पर यूज़ होता है टू, कंपेरिजन के लिए. डे वन बाय 6 goals to 3. ठीक है भाई, कंपेरिजन के लिए. ही वॉज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स, वो सबसे अपने सारे फ्रेंड्स से जूनियर था. बेटा ये बिल्कुल ऑल द जो इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशंस हैं, आई हैव डिस्कस विद यू. दिस इज़ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच, यू मे हैव डन इन द बेसिक क्लासेस, सो दैट्स वाई आई हैव जस्ट रिकैप्चुलेटेड ऑल द थिंग्स. प्लीज़ रीड इट वेरी केयरफुली एंड ऑल्सो सॉल्व द एक्सरसाइज दैट आई विल बी गिविंग इन द ग्रुप. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.